अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक और दफ़ा मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आई मीन टू से वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो पोम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है आई टू उसका टाइटल है, एंड दिस पोम इज रिटन बाय लॉन्गसन हूज एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू बाय मी। अच्छा, तो पोम का टाइटल है आई टू और इसे लिखा किसने है? लैंगस्टन हूज। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं वो गलती है प्रोनाउंसिएशन की गलती। तो इसको जब हम इसकी स्पेलिंग देख के प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं तो वी लाइक लॉन्गस्टन हजेस, लॉन्गस्टन हुजेस, लॉन्गस्टन हगेस, तो ये सारी प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लॉन्गस्टन हूज। ओके, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1926 During the height of the Harlem Renaissance, the poem portrays American racism as experienced by a black man. ये जो poem है ये पहली दफ़ा ये publish हुई थी 1926 में, और ये वो time था जब अमेरिका के अंदर एक moment या एक kind of Renaissance चली थी जिसका नाम है Harlem Renaissance. अब हम यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो writer हैं he's an American writer and this poem is discussed mostly in American literature. तो American literature के अंदर की एक ये poem है क्योंकि इसके राइटर अमेरिकन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो ना अमेरिकन रेसिज्म और अमेरिका के अंदर चलने वाली मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये रेनेसां जो है वो 1920 से 1930s तक एक टाइम पीरियड थी, इसके अंदर ये रेनेसां का जो मूवमेंट है वो चला था। तो इसमें यह था कि म्यूज़िक, पोइट्री, आर्ट वगैरह पर ज़्यादा फोकस हो रहा था इन अमेरिका। इन द पोम वाइट पीपल डिनाई द स्पीकर अ लिटरल एंड मेटाफोरिकल सीट एट द टेबल। अब इस पोम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इस पोम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो वाइट पीपल हैं अमेरिका के अंदर, वाइट ब्लैक दोनों, ठीक है, तो उनमें से जो वाइट पीपल हैं वो क्या करते हैं, स्पीकर को टेबल पर जगह नहीं देते, टेबल पर सीट नहीं देते। अब यहाँ पर लिटरल एंड मेटाफोरिकल का है, तो टेबल पर जो सीट नहीं देने वाली बात है उसकी एक तो लिटरल मीनिंग है और एक मेटाफोरिकल मीनिंग। एक लिटरल मीनिंग ये हो गई कि चलो तुम्हें टेबल पे जगह नहीं है, तुम्हारे लिए तुम जाके कहीं और खाना खा लो, ये तो हो गई लिटरल। लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग जो है टेबल पे जगह नहीं मिलने का मतलब ये है कि उसको उसकी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करना, इंपॉर्टेंस नहीं देना, और ये सारी चीज़ें जो कि आपको आगे जब हम पोम को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बस आप इतना समझें कि पोम के अंदर स्पीकर को एक लिटरल मीनिंग में और एक मेटाफोरिकल मीनिंग में टेबल पे जगह नहीं मिली है। हाउएवर द स्पीकर एजर्ट्स दैट ही इज़ जस्ट एज मच एज पार्ट ऑफ अमेरिका एज अ वाइट पीपल एंड दैट सून द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल बी फोर्स टू एक्नॉलेज द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लैक पीपल। लेकिन स्पीकर भी इस बात पर ही जिद करें कि भाई मैं ब्लैक हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी अमेरिका का पार्ट हूँ, और अमेरिका के लोगों को बहुत जल्द ये रियलाइज़ होगा कि ब्लैक पीपल भी अमेरिका के पार्ट हैं, वो भी अच्छे हैं, उनकी भी ब्यूटी है और उनके अंदर भी स्ट्रेंथ है। इट इज़ अ फ्री वर्स पोम, ये पोम एक फ्री वर्स पोम है, विच मीन्स द प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, विद शॉर्ट लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग एन्जॉयमेंट और एन्जॉयमेंट्स का यूज़ किया गया है। इसके अंदर 5 स्टैंजर्स हैं और हर स्टैंजर के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ लाइन्स हैं, मतलब किसी सेंटेंस किसी स्टैंजा में एक लाइन होगा, किसी स्टैंजा में 2, 3, 4, इस तरह से, ये आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। द स्पीकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू रिफ्यूज पोइट्रीज ट्रेडिशनल फॉर्म्स। ये जो स्पीकर हैं या जो राइटर हैं पोइट हैं, उन्होंने जो है ना पोइट्री के ट्रेडिशनल फॉर्म्स को रिफ्यूज़ किया है, विच मीन्स दैट ट्रेडिशनल फॉर्म्स पर चलते नहीं आए बल्कि इस पोइट्री के अंदर कुछ नया इन्होंने ऐड किया है। As one of the leaders of Harlem Renaissance, Longston Hughes was determined to find a literary voice for black sufferings, resistance and resilience. तो Renaissance मतलब Harlem Renaissance के एक लीडर होते हुए इसने Langston ने यह किया कि इन्होंने जो है ना ब्लैक पीपल थे उनकी सफरिंग्स और उनकी रिजिलियंस के लिए अपनी वॉइस उठाई, अपनी आवाज़ उठाई। द स्पीकर ऑफ आई टू इज़ अ ब्लैक मैन, अब स्पीकर जो है वो ब्लैक मैन है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उन्होंने ब्लैक पीपल के सफरिंग्स की बात की तो डेफिनेटली वो ब्लैक मैन है। आई टू हैज़ टू सेटिंग्स, अ लिटरल वन एंड अ मेटाफोरिकल वन। आई टू जो पोम है इसकी दो सेटिंग्स है, एक लिटरल है एक मेटाफोरिकल है, और लिटरल और मेटाफोरिकल कैसे है ये आप लोग को पता लग जाएगा इफ़ यू विल वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, तो पोम को ना जब भी हम एनालाइज करते हैं तो वी शुड गो फॉर द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि वो पोम जिस टाइम पे लिखी गई थी, वो पोम जिस टाइम पे पब्लिश की गई थी, उस टाइम की हिस्ट्री क्या थी, क्या चीज़ें जो है ना पॉलिटिकल सेटिंग क्या थी, उस जगह की हालात कैसी थी, क्योंकि पॉलिटिक्स, रिलीजन, मूवमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो है ना राइटर्स की राइटिंग पे इन्फ्लुएंस इनका होता है।
ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि आई टू वॉज फर्स्ट पब्लिश इन लैंगस्टन हूज 1926 कलेक्शन वेरी ब्लूज। ये जो है ना लैंगस्टन की एक पोएट्री की कलेक्शन थी वेरी ब्लूज, उनके अंदर पब्लिश हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1926। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द 1920s, ठीक हो गया। दिस वॉज डिफिकल्ट एंड डार्क पीरियड इन अमेरिकन रेस रिलेशंस। अब अमेरिका के अंदर रेस रिलेशंस को देखें तो ये टाइम एक डार्क पीरियड था। अब डार्क पीरियड क्यों कहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ब्लैक और वाइट जो थे उनमें डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा थी, ठीक है। जो ब्लैक पीपल हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता था, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको अच्छे जॉब्स नहीं मिलती थी, वो वोट नहीं कर सकते थे, और मतलब काइंड ऑफ इनजस्टिस थी। इसीलिए इसको रेस के हवाले से डार्क पीरियड कहा है, और इसी टाइम पे ये पोम लिखी गई है। तो हमें इस पोम के अंदर भी जो है ना ब्लैक पीपल के सफरिंग्स का जो फैक्टर है वो मिलेगा। सेग्रीगेशन वॉज लीगल थ्रू आउट द कंट्री, मतलब सेग्रीगेशन लीगल थी उस कंट्री में, अमेरिका में। सेग्रीगेशन से मुराद है अलग करना, पार्ट करना, ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान एक डिवाइडिंग लाइन खींचना, उन दोनों को अलग अलग समझना, एक को सुपीरियर और एक को इन्फीरियर मानना। ब्लैक अमेरिकन लिव्ड एज सेकेंड क्लास सिटीजंस, ब्लैक जो थे उनको सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता था। कन्फाइंड टू आइसोलेटेड नेबरहुड्स विद पोअर स्कूल्स, नेबरहुड उनकी आइसोलेटेड थी, स्कूल्स पोअर स्कूल्स में उनको भेजा जाता था। दे ऑफन लैक द राइट टू वोट, और उनको इवन वोट करने का भी राइट हासिल नहीं था। सो दिस वॉज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, और इसीलिए पोएम के अंदर हमें ब्लैक पीपल की सफरिंग्स का फैक्टर मिलता है। इसी तरह से इफ़ यू लुक एट द लिटरेरी कंटेक्स्ट, तो लैंगस्टन हूज वॉज वन ऑफ लीडिंग फिगर इन हार्लेम रेनेसा। ये बात मैं आपको तीसरी दफ़ा बता रही हूँ। हार्लेम रेनेसा राइटर्स टुक देयर कॉमन गोल, दे होप टू कम्बैट अमेरिकन रेसिज्म थ्रू द पावर ऑफ देयर ओन पोम्स प्लेज नॉवल्स एंड स्टोरीज। अब हार्लेम रेनेसा के अंदर के जो राइटर्स थे उनका ये गोल था कि वो रेसिज्म को ख़त्म करें थ्रू देयर पोएम्स राइटिंग्स पोइट्री स्टोरीज नॉवल्स एंड ऑल अदर लिटरेरी वर्क्स। In other words, they hoped that they might contest racist policies and attitude by demonstrating the power of black culture. उनका मतलब इस तरह का आइडिया था कि अगर हम ब्लैक कल्चर के पावर के बारे में बात करेंगे अपने लिटरेचर में, स्टोरीज़ में, राइटर पोम्स में, राइट अप्स में, तो इस तरह से जो है रेसिज्म वाला आइडिया कम हो सकता है। तो इसीलिए इस पोम के अंदर भी हमें यह फैक्टर मिलता है कि ब्लैक पीपल जो हैं उनका भी स्ट्रेंथ है, उनकी भी ब्यूटी है, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अबाउट पोम आई टू। यहाँ ऊपर जो फॉर्म लिखा है वो पोम के टाइटल का पार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम फॉर्म को देखेंगे कि पोम के अंदर कितने स्टेंजेस हैं और हर स्टेंजे में कितने लाइन्स हैं, इसीलिए फॉर्म लिखा गया है। अच्छा, तो पोम है आई टू सिंग अमेरिका, आई एम द डार्कर ब्रदर, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स, बट आई लव एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, टुमारो I'll be at the table when company comes. Nobody'll dare say to me, eat in the kitchen. Then, besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. ठीक हो गया। अब देखिए पोम का जो टाइटल है आई टू, इसको देखिए तो हमें पता लगता है कि जो स्पीकर थे या जो पोइट है वो जो है ना खुद को किसी चीज़ में शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। देर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, के कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो खुद को किसी चीज़ से एफिलिएट करना चाह रहे हैं, वो खुद को किसी चीज़ से एसोसिएट करना चाह रहे हैं। या जिस तरह उर्दू में एग्जाम्पल मिसल है कि हम भी पांच सवारों में, तो ये भी जो है ना पांच सवारों में शामिल होना चाह रहे हैं। ये तो हमें पता लग गया, लेकिन पांच सवारों में शामिल किस तरह से होना चाह रहे हैं। आई टू सिंग अमेरिका, अब यहाँ पे सिंग अमेरिका जो है इट्स एन अलूजन, अलूजन से मुराद है किसी और चीज़ को अपनी पोइट्री के अंदर रेफर करना। तो यहाँ पर जो ना ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, टू वॉल्ट विद मीन्स पोम आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। तो वॉल्ट की एक पोम है जिसका टाइटल है आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। तो यहाँ पे अमेरिका और सिंगिंग जो है, इस वर्ड से हमें पता लगता है कि इस पोम की पहली लाइन में जो है ना इस पोम को इलोजन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, कि यहाँ पे जो है उस पोम को रेफर किया गया है कि आई टू सिंग अमेरिका, जिसकी मीनिंग है कि मैं भी अमेरिका से बिलोंग करता हूँ। आई एम ऑल्सो अमेरिकन, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका। यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें मिलती है। ये फर्स्ट स्टैंजा है, सिर्फ एक ही लाइन है। अब सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं तो आई एम द डार्कर ब्रदर, कहते हैं कि फिर यहाँ पे आके जो ना मैं अमेरिका का तो हूँ लेकिन मैं डार्कर ब्रदर हूँ, मैं ब्लैक पर्सन हूँ। अब ब्लैक तो कहा, लेकिन ब्रदर का जो लफ्ज़ है उससे हमें पता लगता है कि ये पोइट खुद
जो है ना वाइट पीपल को डिनाई या फिर उनको जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रदर का लफ्ज़ यूज़ किया है, विच मीन्स दैट वो वाइट पीपल को, ऐसा नहीं है कि वो वाइट पीपल को सीरियस एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इन्होंने जो है ना यहाँ पर ब्रदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं ब्रदर तो हूँ लेकिन थोड़ा सा काले वाला ब्रदर, काला वाला ब्रदर हूँ। दे सेंड मी टू इट इन द किचन। अच्छा, व्हेन कंपनी कम्स, जब कंपनी आती है ना, जब बाहर से लोग आते हैं, जब मेहमान आते हैं, तो उसके घर वाले क्या करते हैं इसके साथ, इसको किचन भेजते हैं खाना खाने के लिए, मतलब उसको टेबल पर जगह नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये जो गेस्ट हैं, दे आर ऑफ द व्यू दैट ब्लैक जो पीपल हैं वो क्या है, इन्फीरियर है, वो इस काबिल नहीं है कि वाइट लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा सकें, इसीलिए वो उनको क्या करते हैं, किचन भेजते। बट आई लव, फिर पॉइंट कहते हैं आई से हमें पता लगता है कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी है, बट आई लव। अब पॉइंट जो है वो इन लोगों की हिपोक्रेसी जो है, इनकी थिंकिंग जो है, इनकी सोच पे पॉइंट क्या करते हैं, हंसते हैं। उनको पता है कि इनकी सोच सही नहीं है, इनकी सोच हिपोक्रेटिक है, तो इसलिए पॉइंट हंसते हैं। एंड ईट वेल, और उसको पता है कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अच्छा खाते हैं। एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, ताकि वो क्या करे, स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि वो अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर सके। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक पीपल ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी तो वाइट पीपल उनको एक्सेप्ट करेंगे, यह तो इसकी लिटरल मीनिंग हो गई। अब अगर हम इसकी अंडरलाइंग मीनिंग को देखते हैं तो ये है कि पोइट इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, लेकिन फिर कहते हैं कि हम वो जो ब्लैक पीपल है वो ख़ुद को ऐसा बनाएंगे कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब स्ट्रेंथ आएगी तो क्या होगा, टुमारो, अब स्ट्रेंथ आएगी। अब फ्यूचर की बात करें थर्ड स्टैंजा में, कि फ्यूचर में क्या होगा, कि आई बी एट द टेबल, मैं भी टेबल पे होऊंगा, विच मीन्स दैट आई बी इक्वल टू द वाइट पीपल, वाइट पीपल विल गिव मी द इक्वल इम्पॉर्टेंस, ठीक है, आई बी ट्रीटेड इक्वली टू द वाइट पीपल। व्हेन कंपनी कम्स, फिर तब भी जब लोग आएंगे, जब मेहमान आएंगे, जब डिनर होगा, जब उनका जो है ना गेट टुगेदर होगा, तो नोबडी विल डेयर से टू मी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे कहे कि जाके किचन में खाना खाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे स्टैंजा में खुद को स्ट्रांग बनाया है, और तीसरे स्टैंजा में आके कहते हैं कि कल को किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे ये कहे कि तुम जाके किचन में खाओ, बल्कि मैं टेबल पर ही खाऊँगा और जो है ना मैं सबके साथ बराबर हूँ। बट देन, अब ये इसकी हो गई लिटरल मीनिंग। इफ़ यू गो फॉर द अंडरलाइंग मीनिंग, तो वो इसकी ये है कि फ्यूचर में ही इज़ होपफुल दैट इन फ्यूचर देर विल बी अ टाइम, देर विल कम अ टाइम व्हेन ब्लैक पीपल विल बी इक्वली गिवन इंपॉर्टेंस एज इट एज वाइट पीपल आर गिवन इंपॉर्टेंस, एंड यू नो सेम टेबल पे खाना खाएंगे, विच मीन्स दैट दे विल बी ट्रीटेड इक्वली, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनको अंडर एस्टिमेट करे, विच मीन्स दैट द हिपोक्रेटिक माइंड सेट ऑफ द पीपल विल चेंज। फिर फोर्थ स्टैंजा में कहते हैं बिसाइड्स दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम एंड बी अशेम्ड, फिर इसके साथ साथ वो जो कंपनी है, वो जो बाहर से लोग आए थे, जो पहले ये समझते थे कि ब्लैक पीपल जो हैं वो अच्छे नहीं हैं या फिर वो इन्फीरियर हैं, वो देखेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम, कि मैं कितना प्यारा हूँ, विच मीन्स दैट उनको पता लग जाएगा कि मेरे में भी ब्यूटी है, आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, आई हैव ऑल्सो सर्टेन स्किल्स, एंड बी अशेम्ड, और उनको इस बात पे शर्म आएगी कि उन्होंने पहले मुझे रिजेक्ट किया था या पहले मुझे जो है ना इक्वली ट्रीट नहीं किया था, बाद में उनको ये इस बात का शेम होगा, इस बात का पछतावा होगा। आई टू एम अमेरिका, फिर आखिरी लाइन में भी पोइट इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि मैं अमेरिका का पार्ट हूँ, वो अपनी बात को एक और दफ़ा एम्फेसाइज करके क्लियर करें कि यस आई एम ब्लैक बट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमेरिका, आई शुड बी ट्रीटेड इक्वली टू द वाइट पीपल। ये थी पोम, 5 स्टैंजास हैं, पहले स्टैंजा में 1 लाइन है, दूसरे स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं, तीसरे स्टैंजा में 7 लाइन्स है, फोर्थ स्टैंजा में 3 लाइन्स है, और फिफ्थ में फिर से 1 ही लाइन है। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। शॉर्ट समरी अगर हम इस पोम की डिस्कस करें तो आई ऑल्सो एम पार्ट ऑफ अमेरिका, आई एम अ ब्लैक मेंबर ऑफ द अमेरिकन फैमिली, दे टेल मी आई हैव टू ईट अलोन इन द किचन व्हेन दे हैव पीपल ओवर फॉर डिनर, बट आई लव एट देयर हिपोक्रेसी एंड ईट हेल्थियर इन ऑर्डर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, इन द फ्यूचर आई विल सिट इन द टेबल व्हेन दे हैव पीपल ओवर फॉर डिनर, No one will dare to tell me that I have to eat alone in the kitchen then. And anyway, they'll see that I'm beautiful then and they'll feel ashamed of themselves. ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी ऑर्गेनाइज तरह से लिखा हुआ है।
जो थीम हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलता है वो है रेसिज्म एंड अमेरिकन आइडेंटिटी. एज आई टोल्ड यू, अमेरिका के अंदर उस टाइम में रेसिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वाइट एंड ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन होती थी. आई टू इज़ अ क्राई ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अमेरिकन रेसिज्म. इट्स स्पीकर अ ब्लैक मैन लैमेंट्स द वे दैट ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी इवन दो ही इज़ अ की पार्ट ऑफ इट. पोइट जो है वो स्पीकर जो है वो ब्लैक मैन है, वो जो है ना इस बात पे लैमेंट कर रहे हैं, इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि उसको जो है ना अमेरिकन सोसाइटी से निकाला गया है, हालांकि वो अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट है. ब्लैक है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का पार्ट है. थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर इंसिस्ट्स दैट ही इज़ ऑथेंटिकली अमेरिकन एंड दैट्स कम्युनिटी ही मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लाइफ. द स्पीकर बिगिंस बाय अनाउंसिंग आई टू सिंग अमेरिका. दिस इज एन एल्यूजन टू पोएम बाय वॉल्ट व्हिटमैन आई हियर अमेरिका सिंगिंग. इन दैट पोएम व्हिटमैन डिस्क्राइब्स अमेरिका एज अ सॉन्ग व्हिच इमर्जेस फ्रॉम अ डाइवर्स कॉलर्स ऑफ वर्कर्स फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल लेबर्स वुमेन एंड मैन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर के यहाँ पर जो पहली लाइन में एक अलूजन है किसी और पोम के लिए, एक और पोम के लिए जिसका नाम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग. इस पोम के अंदर व्हिटमैन ने यह कहा था कि अमेरिका जो है वो एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग को सिंग करने वाले, उस गाने को गाने वाले जो हैं वो वर्कर्स फार्मर्स लेबर्स वुमेन सब हैं. उसके अंदर ब्लैक वाइट जिस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वैसा वहाँ पर नहीं था. उसने कहा था कि अमेरिका एक ऐसा सॉन्ग है जिसके सिंगर्स वुमेन भी हैं, लेबर्स भी हैं, फार्मर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं. तो इसी तरह इस चीज़ को लेते हुए यहाँ पे भी एलूजन लिया गया है कि मैं भी जो है ना आई टू सिंग अमेरिका, मैं भी अमेरिका सिंग करता हूँ, विच मीन्स दैट मैं भी अमेरिका का हिस्सा हूँ. द स्पीकर ऑल्सो सजेस्ट दैट वाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज़ आर क्वाइट इन टिबेट विद ईच अदर. द स्पीकर इज़ द डार्केस्ट ब्रदर, इन अदर वर्ड्स ही इज़ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली द अमेरिकन फैमिली एज द वाइट पीपल हु फोर्स हिम टू ईट इन द किचन. डिस्पाइट दिस इंटीमेसी हाउएवर द वाइट मेंबर्स ऑफ दिस मेटाफोरिकल फैमिली फोर्स हिम आउट ऑफ व्यू व्हेन अदर पीपल आर अराउंड वन दे हैव कंपनी. वही बात है. सिंबल्स हमें इस पोम के अंदर मिलते हैं. पहला सिंबल है किचन. किचन किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? द किचन ब्रॉडली सिंबलाइजेज द अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस्ड बाई ब्लैक अमेरिकन्स. ब्लैक अमेरिकन्स को जो अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, उनके साथ जो इनजस्टिस की जाती थी, उसको शो करता है किचन. ठीक है, वो कैसे? कि इन लाइन 3-4 द स्पीकर नोट्स दैट ही सेंट टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स. ऑन द वन हैंड this can be taken literally. Black people were often employed as domestic workers for white families, tasked with things like preparing food and caring for children. अब किचन जो है इसको हम दोनों senses में ले सकते हैं. एक इस sense में कि black जो लोग थे या black family members जो थे उनको ये किया जाता था कि उनको किचन में काम कराया जाता था. जो white बच्चे हैं उनके लिए खाना तैयार करें, उनका काम करें, उनका मतलब किचन में काम करें. तो एक इस सेंस में भी हम ले सकते हैं और दूसरा इस सेंस में भी ले सकते हैं कि सब लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, उसको किचन में भेजा है. तो विच मीन्स दैट यहाँ पे इनजस्टिस भी शो कर रहा है किचन. कंपनी इन आई टू कंपनी सिंबलाइजेस वाइट सोसाइटी. यहाँ पे कंपनी जो है वो वाइट सोसाइटी को सिंबलाइज करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोम में कहा ना कि जब वाइट लोग यानी कि जब कंपनी उनके घर आती है तब उसको किचन भेज दिया जाता है. विच मीन्स दैट जो वाइट पीपल हैं उनकी वजह से उसको किचन भेज दिया जाता है, उनकी वजह से इसको इग्नोर किया जाता है. क्योंकि वाइट लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक जो लोग हैं वो उनसे कम दर्जे पे हैं, दे आर इन्फीरियर टू दैम. इसी तरह टेबल जो है वो रिस्पेक्ट को और इक्वालिटी को शो करता है. जब सब लोग एक ही टेबल पे खाना खा रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर ऑल ट्रीटेड इक्वली, लेकिन उस बंदे को टेबल पे नहीं किचन भेजा जा रहा है खाना खाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि उसको टेबल पे जो रिस्पेक्ट मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, बल्कि उसको एक अलग से जगह में भेजा जा रहा है किचन में. कि यहाँ पे आके ये पोम ख़त्म हो गई. देट वॉज ऑल. इसके अलावा जो है ना, अगर हम इस पोम के अंदर के लिटरेरी डिवाइसेस को देखें तो इसके अंदर जो ना इंजॉयमेंट का ज़्यादा यूज़ किया गया. इंजॉयमेंट से मुराद है कि एक लाइन के अंदर का जो आइडिया है वो उसी लाइन में ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो अगली लाइन तक रोल ओवर कर रहा है. तो हम उसको जो है ना कहते हैं इंजॉयमेंट. तो इस पोम के अंदर इंजॉयमेंट यूज़ हुआ है. 1, 2, 3 थर्ड लाइन में देखें कि दे सेंड मी टू इन द किचन, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स. अब आइडिया तो 3 or 4 लाइंस का मिला के कम्प्लीट हो रहा है, लेकिन ये आइडिया जो है वो थर्ड में ही कम्प्लीट नहीं हो रहा है, बल्कि 4th तक भी कंटिन्यू हो रहा है. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंजॉयमेंट. बट आई लव एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे एंड एंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज़ रिपीटेशन. टुमारो आई बी देयर एट टेबल व्हेन कंपनी कम्स. यहाँ पे फिर से इंजॉयमेंट का यूज़ हो रहा है. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. यहाँ पर भी enjoyment है कि 3-4 lines का मिला के एक ही idea है. तो this is also an example of enjoyment. So this was the poem I too.
by Longston Hughes. That's all. Thank you. Don't forget to like, share, subscribe. Allah Hafiz.